यूपी में अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी को उम्र कैद की सजा के बाद भी जेल से रिहाई होने के बाद अब बहुचर्चित नीतीश कटारा केस के दोषी विकास यादव ने रिहाई की गुहार लगाई। असल में करीब 22 साल पहले 2002 में हुए बहुचर्चित नीतीश कटारा हत्याकांड के मामले में 25 साल कैद की सजा काट रहे विकास यादव ने रिहाई की मांग की। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को 3 जजों की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए भेजा है। अपनी रिहाई की मांग कर रहे नीतीश कटारा हत्याकांड के दोषी विकास यादव की याचिका पर सुनवाई 3 अक्टूबर के लिए टल गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामला 3 जजों की बेंच के सामने लगेगा। 2002 के इस हत्याकांड में विकास यादव को 25 साल की सजा मिली। उसने समय से पहले रिहाई की गुहार लगाई। सुनवाई के दौरान दिवंगत नीतीश कटारा की मां नीलम कटारा और यूपी सरकार ने याचिका का विरोध किया। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट से मिली सजा को नई याचिका के जरिए कम नहीं करवाया जा सकता। वहीं विकास यादव के वकील ने कहा कि वह हर पहलू पर जवाब देंगे, लेकिन इसी तरह के मसले पर पहले 3 जजों की बेंच आदेश दे चुकी है, इसलिए यह मामला 3 जजों की बेंच को भेजा जाए। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और संजय कुमार की बेंच ने इसे स्वीकार कर लिया है। आइए जानते हैं क्या है मामला। नीतीश कटारा की मित्रता बाहुबली डीपी यादव की बेटी भारती से थी। 16 फरवरी 2002 की रात गाजियाबाद में एक शादी समारोह में भारती और नीतीश साथ थे। ये देखकर भारती का भाई विकास बेहद गुस्से में आ गया। उसने अपने चचेरे भाई विशाल के साथ मिलकर नीतीश को अगवा कर लिया। गाजियाबाद से करीब 80 किलोमीटर दूर ले जाकर हथौड़े से उसकी हत्या कर दी। दिल्ली की कोर्ट में हुई सुनवाई। कुछ दिनों तक मुकदमा गाजियाबाद कोर्ट में चला। नीतीश की मां नीलम कटारा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर बताया कि डीपी यादव के दबाव में सुनवाई सही तरीके से नहीं हो रही। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा दिल्ली ट्रांसफर कर दिया। 25 साल की सजा मिली। 30 मई 2008 को निचली अदालत ने विकास विशाल और सुखदेव पहलवान को उम्र कैद की सजा सुनाई। 2 अप्रैल 2014 को दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इस फैसले को बरकरार रखा। नीलम कटारा ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दोषियों के खिलाफ फांसी की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा तो नहीं दी, लेकिन उम्र कैद की सजा की मियाद तय कर दी। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने विकास और विशाल को 25-25 साल और सुखदेव को 20 साल की सजा दी।